कड़ी धूप में रास्तों के किनारे किनारे चल दिए हम कुछ नया खोजने। सच में ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। नया अनुभव और नई जगह। मंजिल का तो पता था पर रास्ते का नहीं। उम्मीद पूरी थी कि मंजिल पर पहुंचेंगे ज़रूर। तो लीजिए आ गए अपनी मंजिल पर। फ्रेंड्स, रास्ते में मंजिल का पता तो हमने कईयों से पूछा पर ऐसा कोई न मिला कि जिसे सही रास्ते का पता होता। आखिरकार कई मील चलने के बाद हम अपनी मंजिल की ओर पहुंच ही गए। फ्रेंड्स, किसी ने सही कहा है कि जहां चाह है वहीं राह है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं रेखा विश्वकर्मा आपको एक नई जगह पर लेके आई हूं। यहां की शेयर कराऊंगी और पूरा वीडियो आप अच्छे से देखिएगा। और आज मैं आपको ले आई हूँ राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र, जहाँ पर आपको हर तरह की सब्जियों के बीज सरकारी रेट पर मिलते हैं। तो चलिए लेके चलते हैं आपको क्या क्या है यहाँ पर, क्या बहुत सारी पौधों भी तैयार हुई हैं। यहाँ की तैयार पौध मैं अपने यहाँ ऑलरेडी ग्रो कर चुकी हूँ। मैंने लास्ट ईयर यहाँ से बैंगन के और ब्रोकली के पौध मंगवाई थी। तो जब मेरे हस्बैंड यहाँ से पौध लेके गए तो जब उन्होंने मुझे बताया इसके बारे में, इस पॉली हाउस के बारे में, तो मेरा मन हुआ कि मैं यहाँ पर्सनली एक बार विज़िट करूँगी। पर उनको टाइम नहीं मिल रहा था इस टाइम पर, तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ, मैं पर्सनली खोज के खुद पता लगा लूँगी और कहाँ पर है ये प्लेस, फिर वहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे। क्योंकि यहाँ की जो सीड्स हैं, यहाँ के जो पौधे हैं, वो कृषि वैज्ञानिकों के थ्रू ही सेलेक्ट करके ही उगाए जाते हैं। और बहुत बड़े बड़े जो कृषि सम्मेलन वगैरह होते हैं, कृषि लोगों की मीटिंग्स होती, वो सब यहाँ पर होती है। तो कितना बड़ा परिसर है। और मेरे लिए बिल्कुल ये आई कैचिंग व्यू था कि मैंने यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ देखे थे पॉली हाउस के, तो मुझे मतलब देख के इतना अच्छा लगा कि ऐसा होता है ना कि कोई चीज़ अगर आपने नहीं देखी हो और पहली बार विज़िट कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। तो ये बड़े बड़े पूरा प्लास्टिक सीट्स से कवर होते हैं और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बड़े बड़े एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे। तो चलिए हम आपको अंदर भी ले कर चलते हैं। तो जब मैं यहाँ पर आई थी तो मुझे, मैंने एंट्री पे पूछा था कि यहाँ पर कौन कौन से पौधे अवेलेबल हैं, तो उन्होंने कहा बाकी तो हमारे सेल आउट हो गए हैं, केवल बैंगन, पपीता और शायद हरी मिर्च के हैं। तो उनमें से ही मैंने कुछ लिए हैं। तो पहले आपको पॉली हाउस दिखाते हैं। देखिए काले काले आपको दिख रहे हैं ना, नीचे पाइप बिछी हुई है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है यहाँ पर। ये भी पहली बार ही मैंने देखा किस तरह से यहाँ ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, ड्रिप जो एक एक बूंद टपक पानी होता है उसके थ्रू यहाँ पे पौधे तैयार होते हैं। और बड़े बड़े वेंटिलेशन के लिए ये एग्जास्ट फैन, अंदर का टेम्परेचर भी मेंटेन रखना पड़ता है ना कि पौध को तैयार करने के लिए टेम्परेचर कितना लगेगा। तो सब वैज्ञानिकों के थ्रू ही यहाँ पर सारा काम होता है। और यहाँ पर ये देखिए, ये सोलर लाइट के लिए इतना बड़ा सोलर सिस्टम भी लगा हुआ है, हो सकता है यहाँ की बिजली इसी से ही पूर्ति हो रही हो। और ये सब काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे पौधे लगे रखे थे। और ये है इनका जो दवा का होता है, बड़ी शांति थी यहाँ पर। और ये अंडरग्राउंड वाटर का एक टैंक था, हमारे लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस था कि हम लोगों ने ये अंडरग्राउंड जो वाटर होता है ना, वो भी पहली बार ही देखा था। तो ये देखिए, तो ये सब तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। तो इन्होंने बोला है कि आप अगले हफ्ते तक आएंगे तो आपको यहाँ पर तैयार पौध मिलेगी। और डाली हुई है, कौन सा तैयार हो रही है? ये बता रहा है कि जहाँ पर पौधे, यहाँ पर जो हमारे तैयार पौधे हैं वो रखे हुए हैं। और कूलर चल रहा था, एकदम ठंडा माहौल था अंदर का। टमाटर, बैंगन और उसके बाद करेला, लौकी। अभी तो फिलहाल यहाँ पे है नहीं। अभी नहीं, मतलब अभी गर्मी पड़ रही थी ना, अभी आप ये देखिए, आप सारी मंजिल पड़ी हुई है ना, अभी 15 से 20 दिन लगेगा आपको, तब आपको सारी पौध मिल जाएगी। 1 महीने बाद यहाँ पर सारी पौध आपको मिल जाएगी, अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। बिल्कुल, सारी पौध बहुत ही कम प्राइस में यहाँ पर मिल जाती है। फिलहाल क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल हो रहा है। कितने चाहिए? बैंगन तैयार है तो बैंगन कितने चाहिए आपको? सफ़ेद वाले भी चाहिए और
कितने कितने तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि पॉली हाउस के अंदर कितने अच्छे से यहाँ पे रखे हुए हैं पौधे। तो इसके अंदर ना यहाँ कूलर भी है और ठंडा भी करता है। तो ये देखिए इस तरह से पूरा ये पूरा आपको वेंटिलेशन का काम दिखाई देगा। अभी हम लोग को अलाउ नहीं अंदर, क्योंकि विजिटर को अलाउ नहीं करते अंदर, वो खुद से ही पौध ला के दे देते हैं। खाद पानी में कुछ नहीं है, लगाना और शाम को लगाना, अभी नहीं लगाना। अच्छा, वहाँ पहुँचते पहुँचते भी शाम हो जाएगी। हमारा पौधा लेना तो हो गया, और एक चीज़ रह गई आपको ये चीज़ दिखाना। चलिए इसको भी आपको बता देते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये साइड में आप देख रहे हैं ये ब्लॉकेज ग्रीन नेट पड़ी हुई, ये सब इनकी खाद तैयार हो रही है। किसान केंद्र यहाँ पर ये कॉलेज भी है, यहाँ पर पढ़ाई भी होती है, और आपको यहाँ पर हर तरह की सब्जियों के बीज, स्पेशली अच्छी किस्म के जो बीज होते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। इन पॉली हाउस के अंदर यहाँ पर सारे ग्रो होते हैं। तो मुझे तो आने में थोड़ा लेट हो गया, पहले से ही सारे सेल आउट हो गए थे। नेक्स्ट वीक बोला है यहाँ पर पौधे आ जाएंगे, तब मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगी, विज़िट करूँगी। और अगर किसी को यहाँ का एड्रेस चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना, तो मैं आपको बता दूँगी यहाँ का प्रॉपर एड्रेस क्या है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के संग। टिल देन बाय बाय।